Welcome students. So today we are going to start our next topic, that is electromagnet. What is electromagnet? It is simply a copper wire that is wrapped in a helical way, in the spring shape jaise way hota hai. It is wrapped like this. It is a long, tightly wound helical coil of an insulated copper wire containing soft iron core. मीन्स जो एक सर्कुलर वायर होती है इन दिस फॉर्म, इट इज़ रैप्ड अराउंड अराउंड आयरन की कोई एक जैसे एक रॉड ले ली, अराउंड दैट इट इज़ रैप्ड, इट इज़ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर विच इज़ रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, अ कोर इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द कॉयल. व्हेन द मैग्नेटिक व्हेन द करंट पासेस फ्रॉम दिस सर्कुलर हेलिकल कॉयल, it starts behaving as a magnet. इसमें magnetic effect आ जाता है in this full wire. तो due to this it can attract or repel the things from its side. तो means एक solenoid ही है जो in between जिसके जो soft iron रखा होता है and it also starts behaving as a magnet. तो double हो जाती है strength one of the coil and जो अंदर उसके material पड़ा है it also starts behaving as a magnet. तो इट कुड बी बिल्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ हम इंक्रीज भी कर सकते हैं. सो हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द वायर. तो फॉर दैट लेट अस स्टडी दिस. द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट थिंग दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. जितना ज़्यादा हम मैग्नीट्यूड मीन्स जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे, दैट इज़ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. जितना ज़्यादा करंट पास करेंगे फ्रॉम द कॉयल द मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एंड अदर इज द मोर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मीन्स एक पर्टिकुलर गिवन लेंथ में जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी द मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू विच जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ विल बी मच मोर. So it depends upon two things. One is the current, the magnitude of the current, and the other is the number of turns per unit length. एक given length में हमारे पास कितनी number of turns हैं circular wire जो coil हम use कर रहे हैं copper की insulated copper wire की. It depends upon this. So इसके लिए let me tell you how do we take this. That is small n के साथ हम इसको denote करते हैं. Let us take two wires, right? This is A wire. एंड इसकी सेम लेंथ वाली बी वायर इज देयर. बिल्कुल दोनों की सेम लेंथ है बट द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉयल आर 10 वेयर एज नंबर ऑफ कॉयल्स इन दिस आर ओनली 5 राइट. तो द करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है दैट विल बी मोर इन द केस ऑफ ए वायर बिकॉज द वैल्यू ऑफ एन इज लार्जर इन दिस केस. क्लियर. सो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द वायर जो हमारी सर्कुलर जो हेलिकल शेप में वायर है इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट एंड व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ एंड द करंट इज ऑफ एंड द मैग्नेटिज्म जो है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म वैनिश हो जाता है एंड इट सिंपली बिहेव्स एज अ सब्सटेंस जो नॉर्मल सब्सटेंस है वैसे का वैसा बन जाता है. लाइक इफ़ वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ सॉफ्ट आयरन कोर आफ्टरवर्ड्स. क्लियर. तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इट मींस हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट. ये परमानेंटली नहीं लास्ट करती है हमारे पास. सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज. नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. यू माइट हैव सीन द मैग्लेव ट्रेन्स दैट रन ऑन द ट्रैक्स फॉर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच अ इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं जो दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल. एंड ऑल्सो यू माइट हैव सीन द शिप यार्ड्स जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं शिप्स के दे आर लिफ्टेड बाय द क्रेन्स. तो वो क्रेन्स के जो हैंडल्स होते हैं जो पकड़ते हैं बॉक्सेस को दे आर सिंपली मेड ऑफ द आयरन. बट व्हेन द करंट पासिस फ्रॉम द कॉयल दैट इज रैपिंग दोज हैंडल्स तो दे बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो दे कैन लिफ्ट ईजीली द सब्सटेंसेस द हैवी सब्सटेंसेस. तो इट इज़ यूज टू मेक is to move the big objects of iron from one place to another. It is also used in surgeries to remove some kind of splinter that goes into our eyes. उसको निकालने के लिए भी electromagnets का use किया जाता है in the surgical operations. Clear?
So this is how it behaves. Like this is iron nail we have taken. You can make this kind of thing at your home also. You can take a small battery and a coil of insulated copper wire aap use karoge, then you will see it will start behaving as a magnet here. But as soon as you switch off the circuit, the magnet jo hai hamari wo vanish ho jayegi, and jo iron ki nail hai it will again become an iron nail and it will stop attracting the things towards itself. Next comes the permanent magnet. Permanent magnet kya hai? It is a magnet which do not last, jo apni magnetic properties ko lose nahi karta material. That is a magnetic, that is a permanent magnet. If we keep hard steel in place of soft iron in a solenoid and switch on the current for some time, the hard steel converts into magnet. Mean ek hard steel ko agar hum bahut time tak usme magnet usme rakhte hain to it will behave as a magnet. Theek hai, solenoid ke beech mein agar center ke mein rakhte hain to wo steel hai jo wo magnet ban jati hai. But after also agar we hum switch off bhi kar dete hain hard steel, tab bhi magnet ki form mein hi rehti hai. Iski internal properties change ho jati hain. This means that a hard steel converts into permanent magnet. Therefore, to make the permanent magnet, magnetic material is kept in the strong magnetic field. Strong magnetic, बहुत ही ज़्यादा strong magnetic field है उसमें. अगर हम अगर magnet अगर कोई हम steel या फिर कोई alloy रखते हैं तो it starts behaving as a permanent magnet बन सकता है वो. Clear? Next comes the magnetic materials. Not every material can be converted into magnet. Certain materials are used to make permanent magnets, जैसे कि carbon steel को magnets में convert किया जाता है. So these are the some of the alloys which can be converted into permanent magnets, right? Also जो permanent magnets होती हैं, they are used in our headphones, जो हमारे earphones होती हैं, उनमें भी use किए जाते हैं. Permanent magnets are used in microphones, loudspeakers, ammeter, voltmeter, speedometers, electric clocks also, right? So next, let us discuss about some interesting facts that in some advanced countries like Japan mein kya hota hai? Powerful electromagnets are used to run trains very high speed. Us case mein kya hota hai? These trains are called maglev trains. These trains float on the guideway and do not run on steel rail tracks. Jo maglev trains hoti hain, they do not touch the rail tracks. To usme जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो यूज़ किया जाता है, एंड जिसकी वजह से दे फ्लोट ओवर द ट्रैक्स एंड इनकी बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाती है. दैट इज़ 603 किलोमीटर्स एक घंटे में ट्रैवल कर सकती हैं, इतनी स्पीड ज़्यादा है इन ट्रेन्स की. क्लियर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज अ मैग्नेट विच व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट. ठीक है, जब तक हम करंट पास करते रहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी. आफ्टर दैट इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म एंड इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल सब्सटेंस. वेयर एज परमानेंट मैग्नेट्स डू नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म, दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर द लॉन्ग टाइम. क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड की. इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट वी कैन चेंज बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग एंड और एल्स we can also increase the number of coils, number of turns per unit length, so that we can increase or decrease the strength of magnetic field. But in case of permanent magnet we cannot do so. Clear? Next is jo powerful magnets hoti hain, magnetic field can also be produced by the electromagnets, whereas jo magnetic field hota hai permanent magnet ka wo itna zyada strong nahi hota as compared to the electromagnets. Clear? Okay, so this is the practice exercise that you can practice at your home. So proceeding to our next topic in our next video.